हाय फूडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज़ इनक्लाइन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि है बेसन का चीला। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप बेसन, और हाफ कप बेसन है ये। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो थोड़ा सा नमक डाल लें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ये 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद में थोड़ा सा प्याज, टमाटर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ हींग, थोड़ी सी हींग, और आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच ही सौंफ। और बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। तो घोल इसका हम पतला ही बनाना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए मैंने घोल बना लिया है, और एकदम पतला घोल बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का घोल चाहिए हमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब चीला। तो यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है, और उस पर अब मैं लगा रही हूँ ये ऑयल, और अब डालेंगे ये चीले का घोल, और अब इसको हम सिकने देंगे। इसमें आप और भी वेजिटेबल मिला सकते हैं, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद हो, और इसको हेल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ ये नीचे से सिक गया है, तो अब मैं ऊपर से एक ऑयल लगा रही हूँ, और अब इसको पलट देंगे और नीचे से भी इसको सिकने देंगे। तो यहाँ मैंने पलट लिया है, और अब इसको नीचे से भी हमें सिकने देना है। तो यहाँ ये नीचे से भी सिक गया है, और अब मैं इसको पलट रही हूँ। तो ये हमारा चीला बन गया है एकदम क्रिस्पी सा। तो इसी तरह बाकी सारे भी बना लेंगे। तो यह थी बेसन चीला की रेसिपी। इसे आप सॉस और ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।